थ्योरम 10.8, 10.8 थ्योरम है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। थ्योरम 10.8 क्या क्या बोला बेटा? द एंगल सबटेंडेड बाई द एन आर्क, बुक में देखो बेटा, बुक मेरे शकल में क्या देख रहा है, एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देखते हैं, कह रहा है एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क। इसको समझने के लिए मैं पहले ही आपके सामने काम करता हूँ, तीन फिगर बना देता हूँ। सवाल को समझने के लिए मैं पहले ही आपके सामने तीन चित्र प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उम्मीद है तीनों आपको पसंद आएंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब सही से नहीं बनाया सर्कल, और एक है ना, थोड़ा मैं तीनों एक साइड एक तरफ बनाया था, तीनों ना एक तरफ बनाया था, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, तीन ये है ना, ये अच्छा, थोड़ा तीनों में अलग अलग केस बना रहा हूँ मैं, एक में मैं ये वाला केस बना के दिखा रहा हूँ, ये वाला मैं ये वाला केस बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला केस है ना। अगले में मैं इसको सेमी सर्कल मान के चल रहा हूँ, सेमी सर्कल है ना, और अगले में इसको अपर करता हूँ, ऐसे लेके चल देता हूँ मैं, है ना। देखो ये एक थ्योरम में तीन केस है, ध्यान देखना, ये थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10.8 एग्जाम में इतने बाकी थ्योरम नहीं है जितना ये है, एग्जाम में आ जाएगा सवाल। तो गिबन क्या कह रहा है, गिबन अगर आप सवाल को पढ़ें, जैसे चलो पहले इसको मैं इसके नाम भी लिख देता हूँ मैं ना, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, सेंटर ओ है। अब ये सवाल को समझते हैं, है ना, कहता है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क है, आर्क है ना, ये आर्क होता है, मैंने कहा था सर्कल है, तो जैसे ये आर्क है, मैंने ये ए बी क्या हो गया आर्क, बी सी ए सी ये आर्क है, तो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, अगर कोई आर्क सेंटर में एंगल बना रहा है, देखो ये तो बी सी आर्क है ना, बी सी आर्क, तो ये एक एंगल कहाँ पर बना रहा है, सेंटर पे। अरे मैंने एक एंगल का नाम लिखा, मैंने कहा एंगल बी ओ सी, बी ओ सी एक एंगल यहाँ बन रहा है, और मैंने कहा जैसे एक एंगल मैंने बना बी ओ सी, फिर मैंने बोला बी ए सी, जो ओ पे एंगल बन रहा है क्या मैं उसको बी ओ सी बोल सकता हूँ, ठीक है, जो ए पे एंगल बन रहा है क्या मैं उसको बी ए सी बोल सकता हूँ, दोनों में देख रहे हो क्या इसमें बी सी आ रहा है, इसमें बी सी आ रहा है, इसका मतलब एंगल ओ और एंगल ए दोनों को कौन बना रहा है, दोनों को बी सी बना रहा है, बी सी आर्क बना रहा है, तो क्योंकि इसको भी बी सी बना रहा है, इस एंगल को इसको बी सी बना रहा है, पर बी सी इस एंगल को कहां पर बना रहा है, सेंटर पे, और बी सी ए एंगल को कहां पर बना रहा है, मतलब कहीं और बना रहा है, बी सी इस एंगल को सेंटर बना रहा है और बी सी इस एंगल को कहीं और बना रहा है। तो थ्योरम पता क्या कह रहा है, तो थ्योरम की मीनिंग है, तो थ्योरम का निचोड़ है कि अगर कोई आर्क कोई एंगल सेंटर पर बनाता है और वही आर्क कोई एंगल कहीं और बनाता है, तो सेंटर वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा, डबल, सेंटर वाला क्या होगा, डबल, मतलब अगर कोई आर्क एक एंगल बनाता सेंटर पे और वही आर्क दूसरा एंगल बनाता कहीं और सर्कल में ही कहीं और,
तो सेंटर वाला एंगल क्या होगा? दूसरे एंगल के क्या बोले मैं रावत? ये 10.8 थ्योरम क्या बोलता है? सुरेंदर, अगर कोई एक सर्कल में जो सेंटर पॉइंट का एक एंगल है, पाजी सर्कल है, अगर सर्कल में कोई आर्क जो एंगल सेंटर में बनाता है वो एंगल डबल होगा उसी आर्क के द्वारा कहीं और बने एंगल के, यानी कुल मिला के बोलना चाहता हूँ मैं कि सेंटर वाला एंगल डबल होगा किसी और बने एंगल के। देखो आप बुक में देखो कि द एंगल सेप्टेंड बाई एन आर, अगर कोई आर्क द एंगल सेप्टेंड सेप्टेंड बाई द एंगल सेप्टेंड बाई एन आर्क एट सेंटर, क्या कह रहा है कि अगर कोई आर्क एंगल बनाता कहां पर? सेंटर इज डबल, वो एंगल डबल होगा, इज डबल द एंगल सेप्टेंड बाई इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। अगर कोई आर्क कोई एंगल कहां पर बनाए? अब वही आर्क कोई एंगल कहां पर बनाए? अदर पार्ट पे। तो सेंटर वाला एंगल क्या होगा? दूसरे वाले एंगल के, ठीक है, ये करना है इसमें, यहां से ये सीखेंगे हम, पर इसी का यूज करेंगे हम आगे, ठीक है। तो देखो भाई ये लिख दिया, तो आपको ना थोड़ा गिवन वगैरह में थोड़ा दबा के लिखना पड़ेगा गिवन वगैरह में। तो सबसे पहले पहले आप गिवन लिखोगे, क्या लिखोगे? गिवन। तो गिवन में क्या लिखोगे आप? क्या वही भैया है ना, तो यहाँ गिवन में तीन केस है कि आ सर्कल विद सेंटर ओ, फिगर तीनों को ऐसे बनेंगे बाबू, मैंने कहा सर्कल विद सेंटर ओ, फिर इसको तीन केस से समझेंगे हम। अच्छा ये हो गया, अब केस फर्स्ट क्या लिखेंगे? केस केस फर्स्ट में क्या है, हम बोलेंगे जो ए सी है ना, जो बी सी, जो बी सी है, बी सी इज मेजर आर्क, जो नीचे वाला बी सी है ना, नहीं छोटा ना बी सी, बी छोटा ना, बी सी इज माइनर आर्क, बी सी इज माइनर आर्क, माइनर आर्क का मतलब छोटा आर्क है। अरे दादा ये मैंने कहा ये बी सी छोटा है या बड़ा है? ये छोटा। अब ये देखो, अबे बी सी छोटा है या बड़ा है? बड़ा है ना, तो बी सी माइनर आर। और केस सेकंड में क्या बी सी छोटा है बड़ा है बराबर है? जितना नीचे वाला बी सी उतना ऊपर वाला बी सी, क्या लिखेंगे? बी सी इज सेमी सर्कल, बी सी इज सेमी सर्कल, लिखना पड़ता है ऐसे। केस थर्ड में बी सी बड़ा है ना, तो बी सी इज मेजर आर्क, बी सी मेजर आर्क, ये हो गया गिवन, हो गया गिवन आ गया। तो प्रूफ में क्या करना पड़ता है, क्या पढ़ना, क्या पड़ेगा? हाँ, कि जो सेंटर वाला एंगल है ना, जो एंगल बी ओ सी किसके डबल है? बी ए सी, ये इसके डबल, ये इसके डबल, ये इसके डबल, एंगल बी ए बी ओ सी डबल एंगल बी ए सी, ये टू प्रूव करना है, गिवन टू प्रूव। किस पाएंगे? प्रूफ पे। हाँ कंस्ट्रक्शन समझ आ रहा है, ये पढ़ रहा है लग रहा है, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइन, भाई हम ए ओ को ज्वाइन कर देंगे और सब में ऐसे हो लिखेंगे ज्वाइन ए ओ, ज्वाइन ए ओ को ज्वाइन कर देंगे और इसे आगे बढ़ा देंगे, ज्वाइन ए ओ, ज्वाइन एओ एंड प्रोड्यूस या एक्सटेंडेड, सही बोल रहा है, अन्ना पढ़ रहा है ना अन्ना भाई,
एंड प्रोड्यूस इट टू पी, कि भैया हमने एओ को जोड़ा और आगे पी तक बढ़ा दिया, ज्वाइंट एओ एंड प्रोड्यूस बोलो या एक्सटेंड बोलो, बढ़ा देना, ज्वाइंट एओ एंड प्रोड्यूस इट टू पी। चलो को यो गिवन हो गया, गिवन टू पर सबके लिए सेम, इसमें भी करो भाई, इसमें भी करो, ऐसे पी हो जाएगा, इस ऐसे करो भाई पी हो जाएगा, है ना। अब देखो, देखो होगा सब में सेम, सब में सेम ही होगा, पर मैं आपको समझाऊंगा इससे, क्योंकि एक ही फिगर समझाऊंगा मैं, सब में सेम हो रहा होगा। अब मैं काम कर रहा हूँ, मैं इन एंगलों के नाम दे रहा हूँ, मैं इन एंगलों के नाम, जैसे इसका नाम दे रहा हूँ, क्या इसका अंदर मैंने नाम दिया एक, इसका नाम एक, इसका नाम दो, इसका नाम तीन, इसका नाम चार, इसका नाम पाँच, इसका नाम छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, नाम दे दिया। गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन प्रूव प्याजो, प्रूव प्याजो, थोड़ा थोड़ा सवाल लंबा जाएगा, कमजोर दिल वाले अपने दिल का ध्यान रखना। तो पाजी काम करेंगे, तो क्या करेंगे पाजी, हम जानते हैं पाजी, पता क्या क्या हुआ, क्या करो पाजी, हमने एक 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 हमने पढ़ी है, हमने एक पढ़ा है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जैसे इसका नाम एक है, ये दो एंगल है, इसका नाम तीन है, ये चार है, एक होता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो बाहर का एंगल होता है ना, उसका सम अंदर के दो अपोजिट एंगल के सम के बराबर आता है। ये जो एंगल चार है ना, इसका सम एंगल एक और एंगल तीन के बराबर आएगा। अरे चार का तो पहली बार थोड़ी पढ़ा रहा मैं, ये पहले पढ़ चुका ना एक्सटर्नल, यही तो होता है कि चार का सम किसके बराबर होगा, एक और तीन, इसके बराबर, इसको भूल जाएगा पड़ोसी को, ऐसे ही विक्रम बत्रा बता, एंगल पांच का सम किसके बराबर होगा, एंगल पांच अपने पड़ोसी को भूल जाए, किसके बराबर, एक और दो को, कोई बच्चा पढ़ रहा है सर बता दिया, देख ले, एंगल छः बता, ओम एंगल छः का सम किसके बराबर होगा, दो चार, दो और तीन, दो और अंदर के बाबू बाहर कीजिए जा रहे, ये जो चार है ना, ये अपने पड़ोसी को भूल जाएगा, एक और तीन के सम पांच, अपने पड़ोसी को भूल जाएगा, एक और दो छः, अपने पड़ोसी को भूल जाएगा, इसका सम दोनों बराबर, पहली बार तो नहीं पढ़ो, पहली बार तो एक्सटर्नल एंगल बड़ा आवाज नहीं, तो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी बोलती है, जो एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी है ना, तो आप इसका नाम ओ है ना, तो लिखो, मैंने कहा ओए मैं लिख रहा हूँ बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो अगर आप तो इन ट्राइंगल बी ओ ए, अरे भाई और बहनों ट्राइंगल बी ओ ए में एक्सटीरियर एंगल कौन है, पांच, तो पांच का सम किसके बराबर होगा, एक और तीन के, सेम इन ट्राइंगल, ट्रायंगल ए ओ सी में, साहिल पुत्र ट्रायंगल ए ओ सी में एक्सटीरियर एंगल कौन है, अरे यार पाजी ये पांच है ये छह है, तो ट्रायंगल ए ओ सी में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, छह, ठीक है छह, तो छह का सम किसके बराबर होगा, चार और दो के, चार और दो के बराबर होगा। अब एक चीज बताओ,
अब एक चीज बताओ, क्या मैं 5 और 6 को जोड़ सकता हूँ? जोड़ सकता ना, जोड़ सकता हूँ? सही से बोलिए, बाई एडिंग, एंगल 5 एंड एंगल बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं लेफ्ट से लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड जोड़ूंगा, राइट साइड का राइट, एंगल 5 में जोड़ो एंगल 6, एंगल 5 में जोड़ो एंगल 6, इनको ऐसे जोड़ दो कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2। अब ये बोलो 5 और 6 बेटे 5 है। अब चलो एक काम करो, है ना, ये फिलहाल चलो बाद में इसको काम कर देंगे इसका बाद में ना, अभी रहने दो, या तो चलो अभी कर दो, कोई अभी करना अभी कर लो, बाद में कर देंगे इसका काम। क्या कर देंगे बाद में? तीसरा मान लो इसको, क्या मान लो? तीसरा। ये काम बाद में कर देंगे, ठीक है, ये काम बाद में। अब इस पर आ जाओ, इस पर आ जाओ, इस पर आ जाओ। अब बेटे यहाँ देखो, अब प्यारे बच्चों तेरे बात कर रहा हूँ मैं, एक ट्राइंगल ले रहा हूँ, मैंने कहा इन ट्राइंगल, ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी में क्या ए ओ रेडियस है, ओ सी रेडियस, ओ बी रेडियस है? अगर ए ओ बी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है तो दोनों बराबर होंगी, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस दोनों बराबर होगी, हाँ। अरे ए ओ ओ बी के बराबर होंगे ना, हाँ। तो अगर जब किसी ट्रायंगल में क्या ए ओ बी ट्रायंगल में दो साइड बराबर आ रही है, जब किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर आती है, कैन तो रहा, जब किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर आती है तो उसमें क्या हो जाता है सचिन? जब किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर आती है उसे कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं? आइसोसेलेस बराबर थे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड तो बराबर होती है, और क्या होता है उसमें, उसके दो अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड तो बराबर होते ही हैं, दो एंगल भी बराबर होती हैं। अब एंगल कौन सी बराबर होगी? जो इक्वल साइड है उनके आमने सामने वाले एंगल भी क्या होती है? अरे भाई, क्या ए ओ ओ बी के बराबर है? तो उनके आमने सामने की एंगल तो बराबर हो जाएगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार, कोई नई बात है क्या ये? ये प्रॉपर्टी है एसोसिएट ट्रायंगल की यार। क्या यार, तो एंगल एक किसके बराबर? तीन के, एक तीन के बराबर। क्या लिखोगे कि एंगल अपोजिट इक्वल साइड, या प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल लिख देना यार, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। कैंतरा कह रहा क्या? अरे भाई, कैंतरा ये कह रहा है कि एंगल अपोजिट यानी इक्वल साइडों के सामने वाले एंगल भी क्या होंगे? अगर दिस इक्वल टू दिस, इफ दिस साइड इक्वल दिस, देन दिस एंगल इक्वल दिस, कि दिस साइड अपोजिट एंगल दिस और दिस साइड अपोजिट एंगल दिस, दिस दिस इक्वल टू दिस, ये तो है। डोंट टॉक, ये कौन सी इक्वेशन? 1, 2, 3 चौथी बन जाएगी। सेम किस ट्रायंगल में? इन ट्रायंगल ए ओ सी, इन ट्रायंगल ए सी, ऐसे ट्रायंगल में होगा सेम, जैसे यहां किया ना, क्या ए ओ बराबर ओ सी है? रेडियस है ना, तो अगर ए ओ ए सी के बराबर है तो जैसे यहां किया तो आमने सामने के एंगल बराबर हो जाएंगे। क्या एंगल 2, एंगल 4 के बराबर है? है ना, तो इसको है ना, इस मत लिखना, एक बार लिख दिया, 5 क्वेश्चन बस बस बस। अरे रुक जा, जल्दी पढ़ लेते। अब लास्ट के जो 2 लाइनें हैं ना, वो कमजोर दिल वाले संभाल, अपना दिल संभाल कर रखे, कमजोर दिल वाले मुखलोगा, आपका दिल मजबूत है ना, है ना, हाँ, पर आपको दिल तो लग रहा टूटा हुआ है, है ना, ध्यान देखना मुखलोगा बस। अब मैं लिख रहा हूँ, सुनो,
मैं लिख रहा हूं फॉरम इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फॉरम। अभी एक सवाल बहुत लंबा है फॉरम, अभी तो इसका आधा ही पार्ट हुआ है, जो आधा पर दो पार्ट हो रहे हैं इस पूरे फॉरम इक्वेशन फोर्थ थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, मतलब तीन चार और पांच हम क्या सीख रहे हैं पता है। मैं काम कर रहा हूँ, मैं तीसरे क्वेश्चन को लिख रहा हूँ कि एंगल पाँच प्लस एंगल छः बराबर एंगल एक तीन चार, मैंने लिखा एंगल तीन तीन चार पाँच की हेल्प से हम कुछ करने जा रहे हैं। बेटा देखो पाजी, पाजी आप जानते हो, पाजी आप जानते हो कि जो एंगल पाँच है और जो एंगल छः है, जब मैं उन दोनों का जोड़ दूंगा तो पाजी क्या एंगल ओ बनेगा, जब मैं पाँच और छः को जोड़ दूँ एंगल ओ बनेगा, तो क्या मैं उस ओ को एंगल बी ओ सी बोल सकता हूँ, तो क्या एंगल पाँच और छः मिलकर एंगल बी ओ सी बना रहे हैं, तो एंगल इसके जगह मैं लिख रहा हूँ बी ओ सी। पाजी एक चीज़ देखो, पाजी मुझे बी ओ सी किसका डबल चाहिए, बी ए सी का, बी ए सी का चाहिए ना, तो पाजी जो बी ए सी, पाजी बी ए सी, पाजी बी ए सी कैसे बनेगा, एंगल ए और दो, एक और दो को मिलाकर बनेगा ना, एक और दो को मिलाकर बी ए सी बनेगा, यानी मुझे एक यहाँ पर आ रहा है दो यहाँ पर आ रहा है, तो पाजी एक काम करता हूँ मैं एक और दो को एक साथ लिख लेता हूँ, मैं एक को तो मैंने ऐसे लिख दिया और दो को मैं आगे ले आया, तीन और चार का कुछ काम है क्योंकि पाजी यार मुझे बी ओ सी चाहिए, तो बी ओ सी आ गया, टू चाहिए टू को जोड़ करना, पर बी ए सी क्योंकि बी ए सी मतलब एंगल एक और दो का सम, एक और दो तो आ गया, तो बी ओ सी को ऐसे लिख देंगे एक और दो तो आ गया ना, अभी तीन और चार को इफाल तो है ना, एक तो काम ही नहीं है, पर पाजी आपको पता है पाजी एंगल तीन किसके बराबर है, अरे एंगल तीन एक के बराबर है या नहीं है, क्या तीन की जगह मैं एंगल एक लिख सकता हूँ, एंगल चार किसके बराबर है, क्या मैं चार की जगह दो लिख सकता हूँ, एंगल बी ओ सी। पाजी एंगल एक कितनी बार आ रहा है, तो एंगल एक दो बार, यानी एंगल एक आ रहा है दो बार, तो आगे दो लिखो है ना, पाजी एंगल दो कितनी बार आ रहा है, दो बार, एंगल दो आ रहा है दो बार, तो आगे दो लिखा है, पाजी इसके पास भी दो है, इसके पास भी दो है, दोनों में दो कॉमन, तो यहां बच्चे अंदर एंगल एक और एंगल दो, अरे मुझे पता है एंगल एक और दो मिलकर कौन सा एंगल बनाएंगे, क्या मैं इसकी जगह बी एल बी ए सी लिख सकता हूँ, क्या एंगल बी ओ सी डबल एंगल बी ए सी ये मुझे चाहिए था, यस और नो, ये प्रूव हो गया, खत्म हो गया, बस भाई इतना ही था ये, ठीक है भाई, पर एग्जाम में तीनों तीनों फिगर बनाने पड़ेंगे, ये चार नंबर का आएगा ये, ओके okay।